शुभ प्रभात बच्चों, मैं नीलम कुमारी कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण और संस्कृत की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में मैं आपको अध्याय 3 संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको अभ्यास करवाऊंगी, ठीक है? आइए देखते हैं। बच्चों, मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुकी। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, भाववाचक संज्ञा की रचना, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। देखिए किस तरह से, ये क्या है जातिवाचक संज्ञा? मनुष्य, बच्चा, वीर, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना? तो इससे भाववाचक कैसे बनाया गया? मनुष्य से मनुष्यता, है ना? उसमें भाव होता है मनुष्यता की भावना, है ना? बच्चा, बच्चा में क्या भाव होता है? बचपन। वीर से वीरता, ठीक है? सर्वनाम से अपना, अपना का क्या होगा? अपनापन। मम मतलब मेरा होता है, यानी कि ममत्व, ठीक है? विशेषण से मीठा, मीठा से क्या हो जाएगा भाववाचक में? मिठास। ठंडा से ठंडक, भूखा से भूख, ऊंचा से ऊंचाई, सुंदर से सुंदरता, ठीक है बच्चों? जातिवाचक सर्वनाम और विशेषण से क्या होगा? क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है ना? इस तरह से, ठीक है बच्चों? अब हम लोग पृष्ठ संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न 1, सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है? कौन नंबर है? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है ना? जैसे बच्चा का क्या होगा? बचपन, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? गलत होगा। क्यों? क्योंकि संज्ञाएं बनती है, ठीक है? तो क नंबर गलत। ख नंबर, टोली, रेवड़ और झुंड शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ये क्या होगा? सही, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा है, टोली, रेवड़ और झुंड, ठीक है? ग नंबर, विवेकानंद और सरोजनी नायडू जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्या होगा? गलत, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना? घ नंबर, सैनिक शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो क्या होगा ये? गलत, है ना? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तरल, तरल पदार्थ या धातु ना, ठीक है? अंग नंबर, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, क्या होगा? सही, है ना? विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है ना बच्चों, ठीक है? प्रश्न 2, वाक्यों में आए रंगीन शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? आपको यहाँ पे जो रंगीन शब्द है वो कौन सी संज्ञाएं हैं आपको बताना है, ठीक है? तो क नंबर, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों? ख नंबर, कई पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, तो पर्वत क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, है ना? ग नंबर, तुम्हारी बोली में मिठास है, ये क्या होगा? मिठास, भाववाचक संज्ञा।
घ नंबर पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अंग नंबर हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको बुक में बढ़िया से कर लीजिएगा। आप लोग का गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 19 और 20, आप इसको याद करेंगे। ठीक है।